नौगछिया के चार युवकों को खगड़िया के लगार दियारा में गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त पीकू झा सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्यारे पीकू झा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसपी मीनू कुमारी ने कहा कि पीकू झा अपने साथियों के साथ मिलकर चार युवकों की हत्या की थी। ये चारों लड़के आर्म्स और शराब क्या सप्लाई करते थे और उसी क्रम में इन लोगों ने रोहित से संपर्क स्थापित किया था कि कुछ आर्म्स इनको मुहैया कराया जाएगा और आर्म्स की डिलीवरी के लिए ये लोग लगा दियारा में आए थे और वहीं पे पिंकू झा को सूचना मिली कि ये लोग आए हुए हैं तो उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वो जो चार लड़के थे जिनकी हत्या इनके द्वारा की गई, इसको कहीं ना कहीं ये जानकारी थी, ये थ्रेट था कि वो लोग इसकी हत्या करने वाले हैं, इसीलिए इन लोगों ने एक योजना के तहत उसको लगार में बुलाया दियारा में और वहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। देर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से हम लोगों ने इस जो हत्याकांड है इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उसके अलावा तीन और व्यक्ति जो उसका साथ दे रहे थे, जो इस घटनाक्रम में उसके साथ शामिल थे, उन लोगों को भी पकड़ने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। 13 तारीख से ही चारों युवक लापता थे। हालांकि उनकी हत्या की बात जाहिर हो चुकी है, लेकिन अब जाकर पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए ताकि इलाके में ऐसी हरकत करने की जरूरत कोई दूसरा ना कर सके। खगड़िया में अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। एक सड़क हादसा पसराहा थाना के सामने नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां पिकअप वैन ने दो बाइक सवारों को बुरी तरह से कुचल दिया। इस हादसे में संजीत यादव की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, तो एक घायल शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मृतक संजीत के परिजनों ने बताया कि उनके पास 1,00,000 रुपए भी थे, जिसका अता पता नहीं चल पा रहा है। खाद लाद के वो होटल पे खाना खाने गया, खाना खा के लौटा था। लौटने के बाद जो एक्सीडेंट हो गया, उसके पास 1,00,000 रुपया था, वो भी उसका टेर नहीं लगा। संजीत यादव नाम था, हरे राम यादव ड्राइवर का नाम, हरे राम यादव व्यापारी का नाम संजीत यादव जो मर गए जी। वहीं दूसरा सड़क हादसा खगड़िया के नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां एक गाड़ी ने गोलू नामक बच्चे को कुचल दिया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने लाश को बीच सड़क पर रखकर घंटों तक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। सड़क हादसे से आए दिन खगड़िया में लोगों की जाने जा रही है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कटिहार में बाढ़ की मार से हजारों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई थी। सरकार ने गंगा नदी की कटाव झेल रहे लोगों को मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ भरोसा टूट गया और अपने हक के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कलेक्टेरिएट की नाकेबंदी कर डाली। हाथों में तिरंगा थामे लोगों ने पुनर्वास के लिए जमीन की मांग में जमकर नारेबाजी की। कटाव पीड़ित महिला ने अपने दुख का इजहार किया। पुनर्वास के लिए आए हैं, हम लोग का कटाव पर घर है। कटाव पर घर है सर, हम लोग का बगल में गड्ढा है, इस बगल भी गड्ढा है, उस बगल भी गड्ढा है, बाल बच्चा डूब कर को मर जाता है सर। रोज हमेशा गाड़ी चलते रहता है, रोड बनता है सर, हम लोग का घोर कर काट कर उठ कर भगाता है, डोदर भिड़ा कर उल्टा देता है सर। कौन नदी से घर कट गया? गंगा जी नदी से। गंगा जी से जी। तो अभी तक कुछ मदद नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला है। डीएम बोलता है कर देंगे, नहीं देता, कुछ नहीं देता है। एक तरफ लोगों की नारेबाजी चल रही थी तो दूसरी तरफ डीएम मिथिलेश मिश्रा ने कार्यालय के गेट पर लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रशासन जमीन मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। जी देखिए, हमारे पास अभी जो संग्रहित आंकड़ा है सभी अंचलों से, वो करीब 4100 परिवारों का है। हो सकता है कि इसमें कुछ परिवार कहीं और बस गए हों, हो सकता है कुछ परिवार और बढ़ गए हों। तो हम लोग इनके माध्यम से जो आवेदन प्राप्त होंगे या जो और सूचनाएं प्राप्त होंगी, उसके लिए भी हमने आज एक मीटिंग बुलाई है और जो आंकड़े हमारे पास सचेतन होंगे उसके हिसाब से हम लोग कैसे निदान करेंगे, कैसे अब देखिए। इसमें बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि जो भी विस्थापित परिवार है उनका एक अभिलेख बनकर जिला पदाधिकारी के माध्यम से आयुक्त महोदय को जाता है और वहाँ से फिर आपदा प्रबंधन विभाग को जाता है, जहाँ से उस जमीन को खरीदने के लिए राशि मंजूर होती है। उसको हम भू अर्जन में ले सकते हैं। या जिला प्रशासन को जल्द से जल्द गंगा नदी के कटाव से जूझ रहे सैकड़ों लोगों को पुनर्वास के लिए जमीन मुहैया करानी चाहिए, ताकि इनकी जिंदगी एक बार पटरी पर आ सके।